एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज़ में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी होती है। और जब भी आपको कुछ खाने का मन हो तो आप झटपट बेसन की रेसिपी आप जो है आराम से घर में बना सकते हैं। तो चलिए बेसन की बर्फ़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। और अब मैं इसमें 2 कटोरे बेसन रखूँगी। इस तरीके से मैंने गैस को थोड़ा सा सिम मीडियम पे रख के और इसको मैंने डायरेक्ट मैंने किसी बाउल या उसमें नहीं छाना है, सीधा मैंने कढ़ाई में ही मैंने बड़ी वाली छन्नी से इस तरीके से मैंने छान लिया है। तो चलिए हम जितने हमारे 2 कटोरी बेसन है, हम दोनों कटोरी बेसन तरीके से 2 कटोरी बेसन मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और इसको अब हम भून लेंगे थोड़ा सा हल्का सा चला के। और उसके बाद मैं इसमें 1 कटोरी घी डालूंगी, देसी घी हम डालेंगे। और उसके उसको डालने के बाद भी हमें कंटिन्यूस इस तरीके से चलाना है फ्रेंड्स। चलिए जो बेसन है वो भून रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। और मैंने पैन रख दिया है गैस पे और हमारा पैन गरम हो चुका है। मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दिया और 1 कटोरी के हिसाब से ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो जैसे 1 कटोरी हमारी चीनी है तो मैंने देख सकते हैं आप इस इतना मैंने आधा कटोरी के हिसाब से मैंने पानी ले लिया। हमें इसी हिसाब से इसको थोड़ा सा चलाना है। तो चलिए मैं इसको चला लेती हूँ। बिल्कुल आपको चाशनी जो बनाना है बिल्कुल एक तार की चाशनी बनानी है आपको, उसमें आपको चेक करना है कि तार जैसा जब तक ना हो तब तक वो गाढ़ी नहीं होती है। तो चलिए बेसन जो है वो हमारे भुन चुके हैं, थोड़ा हल्के से आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है। तो अब मैं इसमें घी डाल दूँगी, मैंने जो 1 कटोरी देसी घी ली है और उसको हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद फिर घी और बेसन को थोड़ा अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसको हमें कंटिन्यूस हमें चलाते रहना है जब तक हमारा घी ना छोड़े बेसन। तो देखिए मैं इस तरीके से चला रही हूँ, आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अभी आप देख सकते हैं थोड़ा गीला है और देखिए ये कैसे एकदम से फिर बाद में थोड़ा सा टाइट हो जाएगा बेसन। चलिए इसको अच्छे से हमारे भून रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब ये घी थोड़ा धीरे धीरे अब ये छोड़ने लगा है। और हमें इस तरीके से कंटिन्यूस हमें फ्रेंड्स चलाते रहना है हमें इस तरीके से जब तक अच्छे से घी रिलीज नहीं होता है। फ्रेंड्स देखिए अब हमारी जो चाशनी है वो बन गई है, हमारी बन के तैयार हो गई है। और मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि तार हमारा चाशनी में बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए आपको दोनों हाथ से इस तरीके से करना है, एक लंबी सी पतली सी तार आपकी बनेगी तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो चाशनी है वो रेडी हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से हमने चेक कर लिया है। तो चलिए चाशनी अब हमारी रेडी हो चुकी है, बनके तैयार हो चुकी है फाइनली। और बस अब हमारे जो बेसन है वो भी भुन चुके हैं, आप देखिए हल्का सा नरम इसमें गोल्डन ब्राउन हो गया है हल्का सा। और अब मैं इसमें जो बेसन जो हमारा नारियल का भूरा है थोड़ा अच्छा स्वाद के लिए मैं इसमें नारियल का भूरा डाल दूँगी। फ्रेंड्स देखिए अब हमारी जो चाशनी है अब हम उसको जो हमारे बेसन भुन चुके हैं हमने उसमें नारियल का जो भूरा है वो भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। और मैं चाशनी अब मैंने अपने जो बेसन का जो बैटर है उसमें हमने मिला दिया है और इसको हम फटाफट इसको हम मिला लेंगे। इसे हमें थोड़ा सा स्पीड में करना होता है जिससे ये इसमें जम नहीं जाए। तो देखिए इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे, बेसन है वो अच्छे से अब हमारा चाशनी के साथ घुल चुका है और देखिए अब ये जमने के लिए तैयार है। और इसके लिए मैंने एक टिन का ट्रे ले लिया है जो मेरे पास देखिए स्क्वायर शेप में है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल दूँगी जिससे हमारा ये थोड़ा अच्छा से जो बेसन की बर्फी है उसका अच्छे से ये जम जाए, फिर हम उसके बाद आगे हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद हम कट करेंगे। तो मैं आपको तब दिखाऊँगी फाइनल लुक। तो सबसे पहले तो अभी हम ये प्रोसेस कर लेते हैं और इसमें जितना हमारा जो बैटर है जो चाशनी के साथ हमने अभी रखा है उसको हम सबको टीन में डाल लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा इसमें सेट करेंगे। फिर सारा जो बैटर है मैंने टीन के इसमें हमने ट्रे में रख लिया है। और सबसे पहले फ्रेंड्स एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप इसको टीन के ट्रे में जब बैटर डालें उससे पहले आपको घी से ग्रेस कर लेना है आपको। मैंने घी से ग्रेस करके रख दिया था
और उसके बाद मैंने इसमें बैटर रख दिया है जिससे वो उसमें स्टिकी ना हो, चिपके नहीं। और आपको मैं पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने हमारा जो बैटर है वो हमने टिन के ट्रे में डाल दिया है। और मैंने कुछ काजू मैंने कट करके रख लिए थे छोटे छोटे पीसेस में, तो वो भी थोड़ा सा एक अच्छा लुक आने के लिए और थोड़ा सा स्वादिष्ट बनने के लिए और थोड़ा सा गार्निशिंग टाइप में मैंने थोड़ा सा ऊपर से काजू डाल दिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता है, बादाम है, जो भी है आप इसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा बादाम से भी गार्निशिंग कर दी है और मैंने थोड़ा कद्दूकस जो हमारा होता है मैंने उसी से थोड़ा सा इस तरीके से गार्निशिंग कर दिया है बादाम से, जो थोड़ा और टेस्टी लगेगा हमें। हमारा जो हमने टिन में हमने अपना बेसन का जो बैटर डाला है वो अच्छे से देखिए जम चुका है और बाद में ये ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो इसलिए हम पहले इसको कट कर ले रहे हैं जिससे हमारा जो शेप है बेसन का बर्फी का वो शेप हमारा बना रहे। तो मैंने इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। आप इसको जैसा शेप में बनाना चाहें फ्रेंड्स बना सकते हैं, छोटे शेप में या आपको इसको स्क्वायर शेप में या आपको लंबे शेप में थोड़ा सा ज़्यादा लंबे शेप में रखना है, तो आप इसको जिस तरीके से बनाना चाहें आप इसको उस तरीके से कट करके उसको वैसा शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स। फाइनली हमारा बेसन की बर्फी बनके तैयार हो गया है और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने प्लेट में सर्व भी कर लिया है कट करके पीसेस को, तो देखिए कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं और घी की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, देसी घी की तो बात ही कुछ और होती है। तो आप भी इसी तरीके से इस रेसिपी को बनाएं, जब भी आप इसको बनाएं तो आप कैसी बनी है ज़रूर मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है हमें बेसन की बर्फी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चलिए मैं आपको इसी तरीके से नए नए रेसिपी लेके आती रहूँगी और अगर आपको मेरा चैनल भी पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं अब अपना वीडियो एंड करती हूँ, मैं आपसे इसी तरीके से नए नए रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।